हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू V008। भाई अपने साथ जो है वो रहेगी टाटा की नेक्सॉन नई वाली, और वेरिएंट रहेगा इसका फियरलेस। भाई इस कार के अंदर इतने वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, मतलब बेसिकली चार वेरिएंट्स हैं, लेकिन उसके सब वेरिएंट्स होने के बाद ना अच्छी खासी लिस्ट हो जाती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कौन सा वेरिएंट लेना है, कौन सा ट्रांसमिशन लेना है, क्या कलर ऑप्शंस लेने हैं, सब कुछ मल्टीपल हो जाता है। तो सबके बारे में मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली अपने साथ जो गाड़ी है ये इसका टॉप वेरिएंट है फियरलेस। अब फियरलेस में भी क्या है, इसके ऊपर एक फियरलेस प्लस भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फियरलेस जो है ना वो टॉप की कैटेगरी में ही आता है, इसलिए मैं टॉप कह रहा हूँ। इसके दो सब वेरिएंट भी हो जाते हैं, किसी को सनरूफ चाहिए तो सनरूफ के साथ मिल जाता है, विदाउट सनरूफ भी मिल जाता है, और ये अपने साथ विदाउट सनरूफ वाला वेरिएंट है। पेट्रोल में चाहो पेट्रोल में मिल जाएगी, डीजल में चाहो डीजल में मिल जाएगी। अब क्या है, फियरलेस के अंदर अगर कोई ऑटोमेटिक चाहता है तो 7-स्पीड DCA का ऑप्शन आता है, और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ ये आपकी पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। तो सबसे पहले जो जानना जरूरी होता है वो होता है इस गाड़ी की कीमत। लाइट्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो चलो इसकी आपको मैं कीमत बताता हूँ। ये आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है 12,50,000 रुपये की, और अगर आप ऑन रोड की बात करोगे, मैं हूँ श्री वासु मेरठ में, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 14,57,000, दैट मीन्स 14,57,000 रुपीज़ की है आपको ऑन रोड कॉस्ट कर जाएगी। अब शुरुआत करते हैं भाई इस गाड़ी के फ्रंट से। जैसे कि आप फ्रंट देख पा रहे हो इस गाड़ी का, यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक ग्रिल मिल रही है और टाटा का लोगो। जैसे कि डिज़ाइन पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया है, नीचे ये रेडिएटर ग्रिल हो जाती है, और यहाँ पे फ्रंट में आपको 360 कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स, ये सब हो जाता है। अब यहाँ पे जो ये LED लाइट्स हैं ना, ये लाइट्स बहुत प्यारी हैं इसके अंदर। जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगा, ये कुछ आपका लॉक करने पे ऐसे आएगा, और अनलॉक करने पे कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी नीचे आपको ये फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, और ये आपके लाइट्स हो जाती हैं LED के अंदर, जो पहले मिस होया करती थी। तो यहाँ पे आपके फॉग लैंप्स भी हो गए, एयर डैम्स हो गए, ये सब हो जाता है इसके अंदर। अब साइड प्रोफाइल पे आते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपको एक सेंसर मिलेगा ऊपर की तरफ, जो ये वाइपर्स हैं एरो ब्लेड वाइपर हैं, इसके अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। फियरलेस के अंदर जो कलर ऑप्शन हैं ना, आपको चार मिलेंगे, और चारों कलर ऑप्शन आपको डुअल टोन के साथ मिलेंगे। ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको फियरलेस में मिलेगा। चलिए साइड में देखो आप, क्लैडिंग्स कितनी बढ़िया लग रही हैं, और जो टायर है ये कुछ होता है इसका एलॉय व्हील। अब 215/60/16 की प्रोफाइल के साथ है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक दे रखा है। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर डाल दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे क्लैडिंग, बॉडी कलर क्लैडिंग आपको डोर्स पे मिलती है, और ये हो जाते हैं इसके ORVM, जिस पे आपको यहाँ पे कैमरा प्लेस मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 360 कैमरा है। बाकी जो पिलर्स हैं वो आपको ब्लैकआउट मिलेंगे। तो ये आपका मैट ब्लैक है, इधर आपको मैट ब्लैक है, रूफ ग्लोसी हो गई, और इधर आपको ये मैट ब्लैक मिल जाता है। बाकी ये पूरा ग्लोसी, पूरी इस तरीके से आपको पट्टी मिलेगी। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, लेकिन ड्राइवर साइड जाएंगे तो वहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। ऊपर सिल्वर रूफ रेल्स है, और जैसे कि मैंने बताया ये विदाउट सनरूफ वाला वेरिएंट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और भाई जो माइलेज है ना इस इंजन से कितना निकल जाता है, लगभग 17 KMPL का माइलेज कंपनी कह रही है, तो 14-15 के आसपास ही रियल लाइफ में दे देगा। अब आते हैं इसके रियर में। ये है इसका रियर, और रियर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी ये लाइट्स, ठीक है। इस लाइट्स को भी मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से होएगा, और वेलकम फंक्शन भी है इसके अंदर। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स हैं, और पीछे बम्पर में ये नीचे वाला पार्ट जो है यार इसको ना ब्लैकआउट कर दिया। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कैमरा यहाँ पे हो गया, नेक्सॉन की बेजिंग हो गई, दो पार्किंग सेंसर्स हैं, और नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। ये है टाटा की बेजिंग, इधर आपको डिफोगर्स हैं, और वाइपर यहाँ पे हिडन कर रखा है जो ये है, और ये आपका स्पॉयलर। स्पॉयलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पोर्टी इंस्टेंस देता है। चलिए इसके बूट में चलते हैं। बूट को वही एक्सेस आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ये हो गया। अब स्पेस की बात करते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, जो 382 लीटर्स का है, मतलब लगेज आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। और एक चीज़ क्या अच्छी है यहाँ पे ना यार, आपको ये मिल जाते हैं हुक्स दोनों साइड, और कन्वीनियंस के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है जो ये हो जाता है। इधर आपको लाइट मिल जाती है,
और स्पेयर व्हील की बात करोगे आप तो ये आपको स्पेयर व्हील मिलता है, इसमें आपको अलॉयज नहीं मिलेंगे। 195/60R16 प्रोफाइल के साथ 60/40 स्प्लिट सीट्स हैं, ऊपर आपको शेल्फ मिल रही है और ये पूरी प्रॉपर क्लैडिंग मिलती है इसके अंदर, तो हो जाता है ये। अब इसके रियर में देखते हैं। रियर में चलने से पहले यहाँ देखो आप, सभी टाटा की कार्स पे आपको ये स्टिकर मिलेगा जिसमें लिखा है कि 25 साल हो गए हैं और 50 लाख कार अभी तक बेच चुके हैं। इसको अनलॉक करते हैं तो यार ये है इसकी रियर की ट्रिम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेसिकली प्लास्टिक है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका पूरा लेदरेट है, सॉफ्ट टच के साथ है, ग्लोसी ब्लैक ये आपको हैंडल दे रखा है, क्रोम के अंदर आपको डोर ओपन क्लोज का हैंडल दे रखा है, डोर्स पे आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्पेस है बोतल रखने के लिए। बाकी ये हैं इसकी सीट्स, इसके अंदर आपको लेदर की सीट्स नहीं मिलेंगी, ये फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी। इधर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हो जाएंगे और फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी सीट्स की जो विड्थ है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे सेंटर में आपको एक आर्म रेस्ट है और यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स हैं। बाकी यहाँ पे देखो आप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेंटर वाले पैसेंजर के लिए नहीं दे रखा, बाकी 2 मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी का और टाइप ए का सॉकेट दे रखा है। बाकी रूफ़ इसकी पूरी ब्लैक हो जाती है तो काफ़ी सही हो जाती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट में। स्पेस का अगर मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया दूँ तो पहले मैं आपको इसका व्हील बेस बता देता हूँ। तो व्हील बेस इस गाड़ी का आपको काफ़ी सही मिल जाता है जो है 2498 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि SUV का इसको नाम दिया है तो SUV में ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, 208 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी इसके अलावा जो टोटल इसकी लेंथ है वो 3995 mm की है और जो चौड़ाई है गाड़ी की वो 1804 mm की हो जाती है। तो ऑल इन ऑल ये सारी इसकी मोटी मोटी डायमेंशंस हैं। फ्रंट में चलते हैं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब देखो चाबी मेरी जेब में है, वही पुरानी चाबी, लॉक अनलॉक का बटन, इधर आपको ये लाइट्स का और इधर आपको बूट खोलने के लिए मिल जाएगा। इसको बेसिकली अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ से आप देखो, मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, इस तरीके से जल जाएगी और ये बंद हो गई। और ये RVM है, इसको मैं लॉक करूँगा तो ये लॉक हो गया और ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ है और ये आपका अनलॉक हो गया। तो ये छोटे छोटे फीचर्स जो होते हैं ना ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ की मतलब एक शोभा बढ़ा देते हैं बेसिकली, वो वाली बात है। यहाँ पे आप देखो तो ये आपका लेदर का हो गया पार्ट, ग्लोसी ब्लैक, नीचे आपको एक पटल लैंप है, स्पीकर और ट्विटर हो जाता है, यहाँ पे आपके RVM के कंट्रोल्स, क्रोम हैंडल, ये फिनिशेस, ऑल 4 पावर विंडोज जिसमें कि एक इल्यूमिनेटेड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखो ये है इसका इंटीरियर, इंटीरियर बहुत प्यारा है इसका, गाड़ी कम्प्लीटली चेंज कर दी है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं सीट्स जो हैं, इसकी हाइट एडजस्टिंग है और ये जो सीट है ना पूरी पीछे हो रखी है, आप ज़्यादा बेटर पता लग पाएगा अब यहाँ से आपको। ये देखो पूरा सीट्स का डिज़ाइन देखो, थाई सपोर्ट देखो और बाकी बोस्टिंग देखो, सीट्स काफ़ी कम्फर्ट मानी जाती हैं टाटा की। और यहाँ पर आप देखो डिज़ाइन एलिमेंट, ये आपको ये वाला कलर मिल जाएगा जो इसका बेसिकली फेयरलेस का पेटेंट कलर है। और ये जो सीट्स की ओवरऑल क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, नेक्सोन में वैसे भी 5-स्टार रेटेड आती थी लेकिन सेफ्टी के कुछ चीज़ थे, कुछ एस्पेक्ट्स थे, वो बहुत अच्छे कर दिए हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स इसके अंदर स्टैंडर्ड कर दिए हैं। सबसे बेस वेरिएंट भी लोगे वहाँ भी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, इस तरह के जो फीचर्स हैं ना वो भी सब आपको इसके अंदर अब स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अब भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं और एक बार इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट देख लेते हैं क्या कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों ये है पूरा इसका डैशबोर्ड। सबसे अच्छा आपको क्या लगेगा यहाँ पे, जब आप ये स्टीयरिंग व्हील को देखोगे तो यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और उसके साथ साथ आप यहाँ देखोगे टाटा का लोगो यहाँ पे ग्लो होगा, जो भाई यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये आपका ग्लो हो गया। प्लस ये देखो आप कलर, कंप्लीटली वेलकम फंक्शन है ये और डिजिटल यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रही है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले जो है ना इसके अंदर आपको यहाँ पे सारी वार्निंग्स मिल जाएंगी जो यहाँ पे दिख रही होंगी आपको ऊपर, यहाँ पे आप देखो तो सीट बेल्ट्स की वार्निंग हो गई, ट्रिप इन्फो हो गई, सेंटर में आपको डिजिटल डिस्प्ले हो गई, इसके अलावा भाई ये ड्राइवर असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, नेविगेशन, जैसी आप
एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन आपकी मिरर हो जाएगी। इसके अलावा भाई मीडिया की सारी इन्फॉर्मेशन तो देखा जाए तो बहुत ही प्यारा कर दिया है इसको। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये MID के कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल हो गया और ये कुछ टॉगल स्विचेस हो गए, इधर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल हो गए। और भाई अगर एडजस्टमेंट्स की बात करोगे ना स्टीयरिंग व्हील के, तो ये आपको हाइट एडजस्टिंग मिलता है, बाकी यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर के कंट्रोल्स और इधर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब आती है बात भाई इस स्टीरियो सिस्टम की, टच बहुत प्यारी लग रही है और इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे भाई इस समय 500 शो कर रहा है। क्लाइमेट की सेटिंग्स हो गई, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट क्लाइमेट का हो गया। बाकी आप नीचे नोटिस करोगे मीडिया, फ़ोन, A to Z सब सेटिंग्स हैं। बाकी सेटिंग्स में जाते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपको ये पूरा सब चीज़ दिखा देगा कि भाई व्हीकल की इन्फो, सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपडेट, कनेक्टिविटी, A to Z आपको इसके अंदर सब देखने के लिए मिल जाएगा। और टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है। बाकी ये देखो आप, ये टेक्सचर डिज़ाइन है और डैशबोर्ड की क्वालिटी प्लास्टिक की भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको ये लेदर है और नीचे ये न्यू पैनल है, टच कैपेसिटिव बटन्स के साथ है, यहाँ से अपना बूट खोल सकते हो, विंडोज़ को लॉक अनलॉक और 360 कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये आप अपनी चारों तरफ से देख सकते हो 3D मोड पे जाके, यहाँ से जैसे भी देखना चाहो भाई। ये देखो आप, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है और टच रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है इसका। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है इस वेरिएंट के अंदर। बाकी DC का ऑप्शन मिलता है, Type A Type C, 12V का चार्जर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे पूरा ग्लोसी ब्लैक, 3 मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर, ये आपका आर्म रेस्ट, स्पेस भी काफ़ी ठीक है इसके अंदर। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है और यार इधर आपको मिल जाता है ये ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर लाइट मिल जाती है और ये कूल रहेगा। ऊपर आपको टैबलेट होल्डर है और भाई बहुत डीप स्पेस है इसके अंदर। बाकी सामने की ट्रिम ऐसी है, ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर दे रखा है, यहाँ पे आपको ये LED के अंदर लाइट्स हैं और इधर आपको डे नाइट IRVM जो ऑटोमेटिक रहेगा। इधर आपको एक छोटा सा मिरर मिल जाता है, इसमें देखो सनरूफ नहीं मिलेगी। और ये देखो आप क्वालिटी वाइज देखोगे ना, तो क्वालिटी तो मैं ये कहूँगा यार बहुत ही अच्छी है। अब बात आती है इसमें ओवरऑल कि भाई क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, वो मैंने आपको अभी बाहर बता दिया था। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इतने अच्छे कर दिए हैं इसके अंदर कि सारे आपको, जैसे एयरबैग्स हो गए, ESP हो गए, हिल होल्ड हो गए, ABS-CVD होता ही है, TPMS हो गया, ISOFIX चाइल्ड माउंट्स हो गए, लिस्ट चलती रहेगी। तो यहाँ पे सेफ्टी के पॉइंट से 5-star पहले भी हासिल कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं सभी गाड़ियों के अंदर सेफ्टी को लेकर, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सेफ्टी कर दी गई है, स्पेशली सारे एयरबैग्स देखे तो यार ये मुझे बहुत अच्छा मूव लगा। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊंगा, वारंटी, क्योंकि वारंटी यार मस्ट हो जाती है। ये गाड़ी अपन को 3 साल की वारंटी और 1,00,000 किलोमीटर तक जो टाटा है वो इतनी वारंटी हम लोगों को प्रोवाइड करती है। इसके इंजन की बात करते हैं, दोनों इंजन मिल जाते हैं, डीजल चाहो डीजल, पेट्रोल चाहो पेट्रोल, AMT में चाहो AMT में, डुअल क्लच में चाहो डुअल क्लच में, लेकिन फ्यूललेस में सिर्फ आपको डुअल क्लच मिलेगा, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अब एक बार इसका इंजन देख लेते हैं कि कितना पावर आउटपुट है, माइलेज मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं इस हुड के अंदर इसका इंजन, तो यार 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा, 3 सिलेंडर। ये इसका इंजन बे पूरा, पावर के मामले में 120 PS की पावर और 170 NM का अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पीछे इंसुलेशन है, ऊपर भी इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन के मामले में काफ़ी सही है। बट नीचे इंजन प्रोटेक्शन आधा है, जो इंजन प्रोटेक्शन कवर है, तो एक ये चीज़ हो जाती है भाई। बाकी इसका ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो इसका हुड का वेट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो भाई ये है आपके सामने फियरलेस वेरिएंट, जो ऑन रोड लगभग 1457 का पड़ रहा है। बाकी इसके अंदर A to Z सब ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। सनरूफ कोई लेना चाहता है तो वो एडिशनली कुछ अमाउंट उसके ऊपर पे करके ले सकता है, इसके ऊपर वाला वेरिएंट। तो भाई आप लोग बताओ कि ये फियरलेस आपको कैसा लगा, नेक्सोन कैसी लगी एंड रिव्यू कैसा लगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके ज़रूर जाना
आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।